तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बोला था कि मेरे द्वारा दोस्तों आपका कक्षा नवी के गणित का पूरा सॉल्यूशन बनाया जाएगा। हो सकता है आपने उस वीडियो को देखा हो या नहीं देखा हो, मगर दोस्तों मैं आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्नों का क्रमांक जरूर इधर उधर हो सकता है, मगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर में यही सारे क्वेश्चन और देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखें, ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको समझ में आ सकें। तो देखिएगा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें कोई कह रहे थे कि सर इसमें प्रश्नों की संख्या 16 होगी। तो देखिएगा, अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हो कि आपने अभी अंग्रेजी का पेपर दिया है और उसमें 16 क्वेश्चन थे। तो देखिएगा, अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर में हमेशा 16 ही क्वेश्चन रहते हैं। पिछले साल भी 16 ही थे और इस साल भी 16 ही आए हैं, मगर दोस्तों जो बाकी के पेपर होते हैं आपके, उन सभी में आपके 23 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे, टोटल प्रश्नों की संख्या 23 होगी आपकी, गणित में, विज्ञान में, बाकी विषयों में। विज्ञान में शायद 20 हो सकती है, मगर बाकी विषय में तो पूरी 23 रहेगी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस बात से इसका अंदाजा ना लगाएं कि अंग्रेजी में हमारे 16 क्वेश्चन आए थे तो फिर गणित में 23 कैसे आए, बिल्कुल इतने ही पूछे जाएंगे आपसे। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन कि आपको दोस्तों गणित विषय का पूरा सॉल्यूशन किस हिसाब से कर लेना है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अधिकतर जो आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें दोस्तों आपके गणित में से पार्ट 1, 2, 3 तक का ही पूछा जाएगा, बाकी का आपका ब्रिज कोर्स आएगा। तो पहले आपकी जो गणित विषय की पुस्तक है, किताब है, उसमें से कुछ सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लेंगे। जैसा कि ये वाला सवाल दिया गया है, ये आपसे बिल्कुल परीक्षाओं में पूछा जाएगा। क्या लिखा है, क्या ऐसी दो परिमेय संख्या है जिनका योग एवं गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्या है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। और उसी के अलावा एक ये सवाल आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, आप सब लोग दोस्तों इसको याद करके चले जाएं। देखिएगा क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जब पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, इतना सा दोस्तों ये 2-2 अंक के क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ज्ञात कीजिए 125 का की घात 1/3। तो देखिएगा दोस्तों, ये भी आपको क्या करना है, 125 की 1/3 का क्या करेंगे। देखिएगा, हमने इसको क्या 125 को क्या 5 का क्यूब लिख दिया। 5 का क्यूब कैसे लिख दिया, 5 × 5 और गुणा 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। आप लोग इसको समझ सकते हो, तो ये जो 125 लिखा था इसको हमने 5 की घात 3 के रूप में लिख दिया। अब देखिएगा आगे क्या हुआ, बराबर में 5 कैसे आ गया, ये घात 3 ने घात 3 को काट दिया, बराबर में हम 5 ले लेते हैं। और इसी के अलावा आप इधर देख सकते हो क्या बचा हमारे पास में, 5 की घात 3 थी, तो अतः 125 का अभिष्ट भान क्या होगा, 5 होगा। तो बड़ा ही सरल सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको कर सकते हो। और उसी के अलावा खासकर यहाँ पे जो सवाल दिए गए हैं, इन सवालों में से एक तो ये वाला सवाल आप हल कर लेंगे और एक ये वाला हल कर लेंगे। ये दोनों ही सवाल दोस्तों आपके पेपर में आए हैं, आप सब लोग दोस्तों इनको हल करना सीख लें। यहाँ से फर्स्ट वाले का हल ये यहाँ पर दिया गया है, और उसी के अलावा दोस्तों तीसरे नंबर का हल ये यहाँ पर दिया गया है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ने और घटाने के लिए सेम प्रोसेस होती है। हमने 10-10 का एलसीएम लिया तो जो कि 10 आया। अब क्या किया कि 10 को हमने 10 से काटा तो 1 आया, और 1 का गुणा 7 से किया तो 7 आ गया। उसी प्रकार से 10 को 10 से काटा तो 1 आया, 1 का गुणा इससे किया तो ये आ गया, यानी कि अपना ऊपर आ गया 7 − 3। अब 7 में से 3 को घटाया तो 4 बच गया, तो 4/10 हो गया। अगर आप दोस्तों इतना भी कर दोगे ना 4/10 तक का भी, तो भी आपका ऐसा ही हो जाएगा। और इसमें अगर 2 से भाग दे दिया तो अपना ये 2/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लेंगे। और उसी के अलावा तीसरा सवाल आप लोग देख सकते हो, 3/4 और 1/4 दिया गया था। तो देखिएगा, 4 × 4 का LCM 4 आ गया। अब 4 को 4 से काटा तो 1 आया, 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आ गया इस जगह पर ये। और उसी तरह से बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस लगाया था, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 4 को फिर 4 से काटा तो अपना 1 आया, और 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने 3 और 1 को जोड़ दिया और बराबर ये 4 हो गया, और बटे में भी 4, तो 4 से 4 को काटा तो 4 × 1 = 4। इस प्रकार से दोस्तों इसका उत्तर 1 आ गया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और उसी के अलावा चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को देखते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये जो सवाल आपके दिए गए हैं, एक ये वाला सवाल दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या याद कीजिए। ये बिल्कुल दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है और बार बार पूछा जाता है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको हल कर लें। देखिएगा क्या लिखा है, 1/3 और 2/3 को 3/3 से गुणा करने पर तो देखिएगा एक तो 3/9 प्राप्त हो जाता है और एक 6/9 प्राप्त हो जाता है। अतः अभीष्ट परिमेय संख्याएँ क्या होगी हमारी, 4/9 होगी और 5/9 होगी, यानी कि एक कम लिख दो इससे, एक इधर से ज़्यादा लिख दो और एक कम लिख दो। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। और उसी के अलावा आगे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आपको क्या करना है कि इन सवालों में से एक ये वाला सवाल जरूर कर ले आप, फर्स्ट नंबर का आप लोग इसको करना सीख लें, ये बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसी के अलावा अगर आगे बढ़ें तो चलिएगा आगे के अध्याय के कुछ सवाल को देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से आप लोग इस वाले सवाल को देख लें। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो इस जगह से आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर आ जाएगा, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या याद कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। और उसी के अलावा आगे अगर देखा जाए तो और आगे और कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं सवालों को हल कर ले आप, खासकर जो जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा एक और यहाँ से आपको ये दिया गया है, आप देख सकते हो निम्नलिखित में से प्रत्येक में हर का परिमेयकरण कीजिए फिर। तो देखिएगा यहाँ से आपको इसका परिमेयकरण करना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला सवाल देख लें। ये वैसे आपके अध्याय 1 के उदाहरण हैं, आप लोग इनको हल करना सीख लें। पहला वाला यहाँ पर दिखाया गया है, दूसरा वाला यहाँ पर है। चलिएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा बेसिकली यहाँ पर तो ये संख्या दी गई थी 4/3, तो इसका हमने हर का परिमेयकरण किया तो क्या आ गया हमारे पास में, ये संख्या प्राप्त हो गई। और उसी प्रकार से इसका किया तो आप लोग इसको करके देख लेंगे। और उसी के अलावा एक ये सरल करने वाला जो सवाल है, और यहाँ पे एक ये जो सवाल दे रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये वाला ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा 1/7। देखिएगा दोस्तों 1/7 का हमने कैसे किया, हर के परिमेयकरण देखो, ऊपर वाला तो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो जो हर है इसको हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख देना। देखिएगा क्या लिखा हमने, 1/7 लिख दिया, √7 ऊपर भी, √7 नीचे भी। अब देखिएगा √7 का गुणा जब 1 से हुआ तो ये √7 हो गया, और √7 का गुणा जब √7 से हुआ तो ये 7 बार आ गया। कैसे हो गया, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो गया, 7 अपने पास में बाहर बच गया। और अगर आपको ये ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप रूट के अंदर गुणा कर लो, कैसे, √7 का गुणा √7 से होगा तो ये हो जाएगा 7×7 49। अब 49 का वर्गमूल क्या है, 7 है, तो ये बाहर क्या आएगा रूट से, 7 आ जाएगा। और उसी के अलावा एक तो ये वाला सवाल देख लें आप इस जगह से, और एक ये वाला आप करके देख लें, ये इसी प्रकार से होंगे जैसे कि ये यहाँ पे मैंने समझाया आपको। इसको देखें तो देखो यहाँ पे क्या किया कि जब हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि हर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखते हैं, इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब माइनस है तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस पूरी संख्या का गुणा इससे किया 1 से, तो ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे आ गया। अब आगे देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखना √5 का गुणा √5 से किया तो ये वाला 5 आ गया, √2 का गुणा √2 से किया तो ये वाला 2 आ गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा ऊपर तो ऐसा कैसे लिखा है √5 - √2, और मगर नीचे क्या हुआ कि 5 में से 2 को घटाया तो 3 बच गया। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अब हल कर लोगे और परीक्षाओं में इनको लिख कर आ जाओगे। देखिएगा एक और यहाँ पर दिया गया हर के परिमेयकरण आपको करने वाले सवाल, तो आप लोग इनको भी देख लें, ये उसी प्रकार के सवाल है जैसे कि अभी अभी मैंने बताए हैं। और एक ये वाले सवाल आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाएंगे, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। देखिएगा यहाँ से आप लोग इनको देख लें और इनको सरल करना सीख लें। सरल करने में बहुत ही ये ज़्यादा कठिन नहीं है वैसे, जैसे कि आप फर्स्ट नंबर का देख सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 5 का गुणा किया गया 2 से, तो 5 × 2 = 10 हो गया,
और उसी तरह से फिर 5 का गुणा किया गया रूट 5 से, ये हो गया 5√5। और उसी प्रकार से दोस्तों फिर 2 का गुणा किया गया 7, √7 का गुणा किया 2 से, तो यह आ गया 2√7। फिर इसका गुणा किया इससे तो यह आ गया 35। तो बिल्कुल ही सरल है दोस्तों, ये तो आप कर लोगे आसानी से। उसी प्रकार से आप चाहे तो इसका भी उदाहरण करके देख सकते हो और ये वाला भी करके देख सकते हो। उसी प्रकार के कुछ सवाल हो रहे हैं, ये आप लोग इनको करना सीख लेंगे। और चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा बहुपद वाला जो पार्ट है आपका, उसमें से कुछ ये सवाल पूछे गएंगे। देखिएगा आप लोग यहाँ से इसको देख लें, शेषफल में प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ये वाला आप देख लें और इस प्रकार से आप लोग इसको हल करना सीख लें। वैसे आप लोगों को ये सवाल आते होंगे। और आपका जो अगला पार्ट है निर्देशांक, निर्देशांक वाले पार्ट में से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है, आप लोग इसका सोल्यूशन बना लेंगे पूरा। और इसके अलावा एक ये दे रखा है, तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ तक का कंप्लीट कर लें। और आपको आपके गणित विषय के टीचर ने भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का जितना पढ़ाया है, आप लोग उनको भी हल करके देख सकते हो। पर दोस्तों मेरे द्वारा जो सवाल आपको दिखाए गए हैं, आप सब लोग इनके ऊपर विशेष ध्यान जरूर दें। और दोस्तों देखिएगा अभी तक मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर 3 तक के सभी महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर बता दिए हैं। मगर दोस्तों आप ये समझिए कि आपका जो ब्रिज कोर्स है उसमें से भी बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो चलेगा दोस्तों अब आगे ब्रिज कोर्स को भी देख लेते हैं कि ब्रिज कोर्स में से कितने सवाल दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों ब्रिज कोर्स में से आपको इन इन सवालों को देख लेना है। जैसे कि पहला सवाल ये दिया गया है, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपये है, बताइए उसकी सितंबर माह की आय कितनी होगी। तो देखिएगा दोस्तों सितंबर माह में 30 दिन होते हैं, तो 625 को 30 से गुणा कर देना है और इतनी आय उसकी प्राप्त हो जाएगी। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शोभा के पास 30 बटन है, उसने करीम को आधा भाग और जावेद को 1/2 भाग दिया, तो शोभा के पास में कितना है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, आप लोग इससे ना घबराएं। आप इसको दोस्तों यहाँ से समझ सकते हो कि किसको कितना भाग दिया। करीम को तो दिया था 1/5 भाग और जावेद को दिया था 1/3 भाग। तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो, 30 का 1/5 कितना हो जाएगा 6, तो और उसी तरह से 30 का 1/3 होगा 10, और उसी तरह से ये शोभा के पास के बटन है, तो कुल करीम के पास बटन कितने हैं दोस्तों 6 है और जावेद के पास में 10 बटन है, तो यही तो आपको बताना था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है, अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा सवाल है ये भी, आपको क्या करना है कि 576 में 24 का भाग दे देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर उसने भाग ही तो दिया है, ये बटी में कर लो या वैसे भाग दे लो आप जैसे भी। और इसके अलावा अगला ये यहाँ पर दे रखा है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो ये वाला सवाल भी आप लोग करके देख लें। ये दोस्तों ऐसे सवाल है जो कि आपके ब्रिज कोर्स में से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आप सब लोग यहाँ से इनको करके देख लें, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी ऐसे सवाल और उनके उत्तर बता दिए गए हैं जो कि दोस्तों आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। आप इस वाले को भी देख लें। और उसके अलावा आगे बात की जाए तो आगे भी कुछ ऐसे सवाल है, जैसे कि ये वाला दे रखा है और एक ये है, तो आप सब लोग दोस्तों इनको हल करना सीख लें। आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे आए और आप सब लोग बहुत अच्छे से कॉपियाँ भर भर कर लिख कर आएँ। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।